राज्यात सध्या मराठा ओबीसी धनगर समाजाकडून आरक्षणाची जोरदार मागणी केली जात असून त्यांची मागणी रास्तच आहे। भारतीय जनता पक्षाने 2014 पासून या समाजांना आरक्षण देण्याची पोकळ आश्वासन दिले आहे। केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असूनही त्यांनी कोणत्याच समाजाला आरक्षण दिलेले नाही। त्यांनी या समाजाची फसवणूक केली आहे। आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे आणि काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर जातनिहाय जनगणना होईल व आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लावेल असा विश्वास महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केलाय। सरकार में भ्रष्ट व्यवस्था बनी हुई है, ये तो छुपा नहीं है। खुद ही देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के इरिगेशन का घपले की बात करते हैं और 8 दिन के बाद वो सब लोगों को मंत्रिमंडल में लेते हैं, तो उसके लिए अब ये भ्रष्ट व्यवस्था इस मंत्रिमंडल में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मीरा बोंगरकर ने जिस तरह से आज आरोप लगाया और उनकी किताब में कल उन्होंने लिखा था, एक दादा ने उस समय मुझे पुलिस की जमीन बिल्डर को बेचने के लिए कहा था, लेकिन हमने उस समय वो उसको बेचने नहीं दी। और आज उन्होंने खुलासा किया कि यही अजीत पवार का पालक मंत्री थे और इनके वजह से वो जमीन बेचने की बात हुई थी। तो ये मतलब है कि ये सरकार में दाल कुछ दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। और इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की। और तब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अजीत पवार ने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है।